ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से वैक्सीन की खरीद बिक्री। की थ्रोम्बोसाइटोपोनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमाने की वजह बनता है। इससे पीड़ित शख्स को स्ट्रोक, हृदय गति रुकने जैसी गंभीर समस्या की बात भी सामने आई थी। हालांकि कंपनी इससे होने वाले बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। पहले ये देखा गया था कि ब्रिटेन के हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया था जहाँ एस्ट्राजेनेका ने इस बात को खुद माना था कि कुछ केसेस में जो है वो साइड इफेक्ट देखा गया है। TTSS खून के थपके, ब्लड क्लॉट्स की जो बात हो रही थी उसका जिक्र हुआ था। कंपनी ने ये भी कहा था कि कुछ ही साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं और वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, या अगर किसी को ज़्यादा गंभीर बीमारी थी तो उसके बाद ये हुआ। इन सारी चीज़ों के बीच अब कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब जो ये वैक्सीन है इसको पूरी तरीके से जो है वो हटा दिया जाएगा। एस्ट्राजेनेका ने साल 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई थी। इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए सीरम यूनिवर्सिटी ने भारत में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी। एस्ट्राजेनेका के लाइसेंस वाली कोविशील्ड वैक्सीन भारत में भी कोरोना से बचाव के लिए दी गई थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसी फॉर्मुलेशन से कोविशील्ड को भी बनाया गया है, जिसके बाद तमाम सवाल उठने लगे थे। डॉक्टर्स ने भी ये कहा था कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन सोनू के साथ फरह खान, न्यूज़ 18, नोएडा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। कांकेर में भालू का आतंक, कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला पर